लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उन छोकरों की ये हिम्मत, उन्होंने तुम्हारी नहीं बल्कि सारी लंका की नाक काटी है। और तुम अब तक शांत बैठे हो? अब शांति का, जब तक राम लक्ष्मण से तेरा बदला नहीं ले लूंगा तब तक शांत नहीं बैठ सकता। उन वनवासियों के साथ साथ सारी अयोध्या की भी नाक काट डालूंगा। उसका उपाय मैं बताती। कहो। राम की पत्नी सीता का हरण कर लो। ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं सीता को लंका की पटरानी बनाऊंगा। बारिश मामा, लंकेश यहां कैसे? मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए मामा। मैं तैयार हूं। तो तुम्हें स्वर्ण मृग बनना होगा। मैं सीता का हरण करूंगा। ऐसे पाप कर्म में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो मैं तुम्हारी हत्या कर डालूंगा। तुम्हारे हाथों मरने से अच्छा है कि श्री राम के हाथों मरूं, तो मोक्ष पाऊंगा। तो जाओ, शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन करो। सीते, इन आभूषणों में कितनी सुंदर लग रही हो। देवी अनसुईया ने ये उपहार नहीं तुम्हारे रूप को श्रृंगार दिया है। आज तुम्हारे सौंदर्य के साथ इन आभूषणों का भाग्य भी चमक उठा। राघव ने इन आभूषणों की नहीं सीता की प्रशंसा की है। मेरे जीवन की संपूर्ण मधुरता का नाम सीता जो है। और आपके जीवन की कड़वाहट का नाम क्या है? सीता का वियोग, भले ही वो पल भर के लिए क्यों न हो। स्वामी देखिए, सोने का मृग। आश्चर्य, न शास्त्रों में पढ़ा न कानों से सुना। आज आंखों से देख लीजिए कितना सुंदर है। संसार में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो दूर से सुंदर दिखाई देती हैं। मुझे उसका चर्म ला दीजिए प्रभु, कंचुकी बनाऊंगी। अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए दूसरों की सुंदरता नष्ट करना पाप है सीते। सुंदरता का बढ़ाना कोई पाप नहीं है प्रभु, किंतु विपत्ति का कारण अवश्य है। तो आप मेरी इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? अवश्य करूंगा। लक्ष्मण, भैया, सीता की रक्षा करना और जब तक मैं लौट कर ना आऊं बर्णकुटी के बाहर न जाना। जो आज्ञा। लक्ष्मण, लक्ष्मण, स्वामी तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं और अभी भी तुम यहाँ खड़े हो। जाओ, जल्दी जाओ, उन पर कोई संकट आ पड़ा है। जिनका नाम लेते ही संकट दूर हो जाता है, भला उन पर कैसे संकट आ सकता है? समय विपरीत होने पर सब कुछ हो सकता है। जाओ, उनकी सहायता के लिए जल्दी जाओ लक्ष्मण। किंतु उनकी आज्ञा। आज्ञा के बहाने तुम अपना कर्तव्य भूल रहे हो। आपकी रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य के पीछे तुम्हारा दूषित स्वार्थ छिपा है। माता, माता। लक्ष्मण, श्री राम के बिना सीता इस धरती पर नहीं रहेगी। उसके पहले लक्ष्मण के शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। माता, माता के रूप में मुझे स्वीकार करते हो तो शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि आपकी यही आज्ञा है तो मैं जाता हूँ।
आप इस लक्ष्मण रेखा के भीतर सुरक्षित रहेंगी। सौभाग्यवती भव। मैं बंधी भिक्षा नहीं लूंगा। मैं रेखा के बाहर नहीं आ सकती, तो मैं भूखा ही चला जाऊंगा। ठहरिए, श्री राम के द्वार से कोई भूखा नहीं जा सकता। पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। लक्ष्मण, तुम सीता को अकेली छोड़कर क्यों चले आए? आपने ही तो मुझे पुकारा था। वो मेरी आवाज नहीं थी लक्ष्मण, निश्चय कुछ प्रपंच मालूम होता है। चलो जल्दी चलिए। सीते, जानकी नहीं है लक्ष्मण? भैया, मुझे कुछ संदेह हो रहा है। ये देखिए, सीते, माता, सीते, माता, सीते। सीता, सारा संसार सुख की नींद सो रहा है और तुम अब तक जाग रही हो। श्री राम दर्शन की प्यासी आंखों में नींद कैसे आ सकती है? नींद, नींद हमें भी तो नहीं आती जानकी। तुम जैसे पापी कभी सुख की नींद नहीं सो सकते। मैं पापी नहीं, तुम्हारा प्रेमी हूँ सीता। मैं तुम्हें तीनों लोक का सुख दे सकता हूँ। श्री राम के चरणों में जो सुख है, उसके आगे तीनों लोग का सुख तुच्छ है। सीता, राम वनवासी है। वो मेरे प्राणाधार है। त्रिभुवन विजेता हूँ। तभी मुझे कायरों की तरह चुरा लाए, नीच पापी दुष्ट। सीता, तू यू नहीं मानेगी, अब मैं बलपूर्वक अपनी इच्छा पूरी करूंगा। रावण, रावण, नल कुबेर, रावण, भूल गया मेरे श्राप को? याद रख, किसी सती के सत्य खेलने का प्रयास करेगा तो तेरे सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे, 7 टुकड़े हो जाएंगे, 7 टुकड़े हो जाएंगे। सीता, मैं तुझे 1 महीने का समय और देता हूँ, फिर भी तेरा मन न बदला तो मैं अपनी इच्छा पूरी करके रहूंगा। कौन हो तुम? श्री राम का दूत हनुमान। श्री राम का दूत, एक बानर? उसका प्रमाण ये अंगूठी है माँ। स्वामी,
स्वामी कुशल पूर्वक है ना? हाँ माता। और भैया लक्ष्मण? वे भी। हनुमान, क्या स्वामी कभी मुझे भी याद करते? माता, विरह में जितना दुख आप सहन कर रही हैं, उससे कहीं अधिक दुख प्रभु श्री राम सहन कर रहे हैं। धीरज रखिए, मेरे वहां पहुंचते ही प्रभु श्री राम की वानर सेना लंका पर चढ़ाई कर देगी। उस सेना में सभी वानर तुम्हारी तरह है? हाँ माता। फिर तो हो चुका मेरा उद्धार। आपको कोई संदेह है? हनुमान, रावण की सेना में एक से एक विशाल योद्धा है। श्री राम की सेना में भी उनसे कोई कम नहीं। विश्वास नहीं तो ये देखिए, जय श्री राम। माता, अब तो आपकी शंका दूर हुई। देखा श्री राम का प्रताप? धन्य हो रामदूत। हनुमान, माता, सामने वाले वृक्षों में सुंदर फल फूल देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया है। आप आज्ञा दें तो थोड़ी पेट पूजा कर लूं। जय श्री राम। कहाँ गया वो दुष्ट वानर? मेघनाथ, क्यों जानबूझकर अपने प्राण गुवा रहे हो? मुझे पकड़ना कोई खेल नहीं। देखता हूँ ब्रह्मफांस से कैसे बचता है। ब्रह्मफांस? पिताजी, ये वही वानर है जिसने सारी अशोक पार्टी का उजाड़ दी। वानर कहां से आया है? कौन है तू? मेघनाथ, ये कुछ कम देखते हैं क्या? चुप रह, मैं पूछता हूं तेरा परिचय क्या है? ऐसे पूछो ना, मैं श्री राम का दूत हूं। राम का दूत? मेरा नाम हनुमान है। और काम जो कर दिखाया है उसे बाप बेटे दोनों जानते हैं। वानर, अधिक बड़बड़ कर बातें न कर, इस समय तू हमारे बंधन में है। तुम्हारे बंधन में मेघनाथ? ये तो ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए मैं बंध गया था, नहीं तो ये देख। इंद्रजीत, देख लिया राम नाम का प्रताप? हाँ हाँ देख लिया, परंतु तुम्हारे पिता देखते हुए भी अंधे बने हुए हैं, क्योंकि उनके दिन बुरे आने वाले। दुष्ट वानर, मेघनाथ से तुझे जीवित पकड़ लाने के लिए कहा, ये मेरी भूल थी। तुमने एक नहीं कई भूलें की हैं रावण। अपनी बहन शूर्पनखा की बातों में आकर श्री राम से वैर किया, ये तुम्हारी पहली भूल है। माता जानकी को चिड़ा कर ले आए,
ये तुम्हारी दूसरी भूल है और मुझ जैसे अतिथि को बैठने के लिए आसन नहीं दिया, ये तुम्हारी तीसरी भूल है। आसन बराबर वालों को दिया जाता है, तू जैसे नीच बंदर को नहीं। ये तुम्हारी चौथी भूल है, स्वभाव से मुझे ऊपर बैठने की आदत है, क्यों कि मैं वानर हूँ। तुमने मुझे आसन नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं स्वयं अपना आसन बना लूंगा। जय श्री राम। बातें ध्यान से सुनो, समय रहते ही अपनी भूलें सुधारो वरना पछताना पड़ेगा। मुझे तेरे उपदेश की आवश्यकता नहीं। आज मालूम हुआ कि तुम केवल नाम के ही महापंडित हो, परंतु वास्तव में अहंकारी और महामूर्ख हो। वानर, अपना मुंह संभाल। तू होश संभाल, माता जानकी को लेकर श्री राम की शरण चल, वह बड़े दयालु है, तुझे अवश्य क्षमा करेंगे। मैं क्षमा याचना करूं, वो भी राम से, त्रिलोक विजेता दशानन सर झुकाए एक वनवासी के सामने? सारा ब्रह्मांड जिनके सामने सर झुकाता है उन्हें तू वनवासी समझता है मूर्ख? कान खोल कर सुन ले रावण, समय रहते ही अपनी भूल सुधार ले, नहीं तो उन्हें वनवासियों के हाथों तेरी मृत्यु होगी और सोने की लंका धूल में मिल जाएगी। मेघनाथ, इसका सर उड़ा दो। जय श्री राम। ठहरो। विभीषण, भाई ये क्या कर रहे हो? एक दूत की हत्या करके अपनी कीर्ति को लजाना चाहते हो? श्रेष्ठी कहते हैं पिताजी, लेकिन हम इसे दंड अवश्य देंगे। वानर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है पिताजी, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। तो लगा दो आग। रावण की लंका का विनाश हो रहा है, वो देखिए। या तुमने लगाई हनुमान? नाम मेरा है, काम श्री राम का। धन्य हो वीर, तुम्हारी स्वामी भक्ति देखकर मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आज से जो भी सिंदूर लगाकर तुम्हारी पूजा करेगा उसे मनवांछित फल मिलेगा। एक और कृपा कर दीजिए माता। क्या फिर भूख लगी? नहीं माता नहीं,
मैंने आपके दर्शन किए, इसका प्रमाण चाहिए। ये चूड़ामणि ले जाओ और प्रभु से कहो मेरा शीघ्र ही उद्धार करे। माता ने ये चूड़ामणि दी है प्रभु। सीते, हनुमान, सीता वहां कैसे रहती है, कैसे दिन रात बिताती है, क्या करती है, कैसे जीती है? आपका ही नाम लेकर जीती है प्रभु, किंतु किंतु क्या? मुझे भय है कि आपके वियोग में अधीर होकर माता कहीं प्राण न त्याग दे। तो सीता के बिना राम का जीना भी व्यर्थ होगा पवन कुमार। तो शीघ्र ही उनके दुख का अंत कीजिए प्रभु। अंत आ गया है। कौन कहता है मूर्ख? श्री राम का पराक्रम उन्हें साधारण मनुष्य मत समझो भैया। अपनी और लंका की भलाई चाहते हो तो माता जानकी को लौटाकर श्री राम से क्षमा मांग लो। मैं प्रार्थना करता हूँ श्री राम से क्षमा मांग लो भैया, क्षमा मांग लो। नीच, अन्न मेरा खाता है और प्रशंसा शत्रु की करता है। चल निकल जाइए यहां से। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सत्य है विजय हमारी होगी, किंतु लंका पहुंचने के लिए 100 योजन का समुद्र कैसे पार किया जाएगा? प्रभु नल नील जैसे शिल्पी हमारे पास हैं, श्वेत बांधने के लिए केवल आपकी आज्ञा की देर है। ऋषि जी आप यहाँ? श्री राम की शरण में आया हूँ राम भक्त। तो आइए ना, आइए। प्रभु ये आपके परम भक्त विभीषण है। आओ लंकेश। जय हो प्रभु।